subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अनंत को छूने स्वयं को कर विलीन, तुम्हारी सुगंध बन जाऊं केवल तुम्हारी सुगंध।
कौन है? करनी है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और शादी तक तुम हमारे साथ रहोगी। कम ऑन, लेट्स गो। लेकिन रिया, इट्स एन ऑर्डर। ओह यस सर। नाइस ना? खत्म हो गई शॉपिंग? अरे बाबा, अभी तो शुरू हुई है। क्यूटी ना? हाँ, ए उधर चल। गॉड, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, पता नहीं कब खत्म होगी, लगी होगी शॉपिंग। ठीक है, जब तेरी शादी होगी ना, तब नहीं करेंगे हम तेरे लिए शॉपिंग। ऐसे ही घी से पीटे कपड़े में शादी कर देंगे तेरी। मुझे कोई बुद्धू लड़की से शादी नहीं करनी। फिर किसी इंटेलिजेंट लड़की को ले आएंगे। वो योर इन्फॉर्मेशन, सारी लड़कियाँ बुद्धू होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है, लड़कियाँ डरपोक भी होती है। जी नहीं, बात बात पर चीखती रहती है। जी नहीं, गर्ल्स आर द बेस्ट। जी नहीं, बॉयज आर द बेस्ट। जो बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स कैन डू बेटर। चैलेंज चैलेंज रेस। ओके, वो क्रॉस एंड पॉइंट। Ready? One, two. चीटिंग इसने नहीं, आपने की। हाँ, मैंने नहीं, इसने, इसने, इसने। जो कुछ भी कहना है मुझसे। एक्सक्यूज मी, आप है कौन? फैंटम। फैंटम? हाँ, देखा नहीं कितना तेज भागता है। फैंटम मूव्स फास्टर देन द आईज कैन सी। हेलो। यस, जाते जाते अपनी हार तो मानिए। से वॉइस द बेस्ट। Girls are best. Coco, let's go. Madam, girls, निशाना तो दिल को बनाना चाहिए था ना आपने? Girls, absolutely hopeless. जमाना सारा हम जमाने से है नहीं, हम जो चाहे चुरा लेंगे तुम कदम ही से। हम से है जमाना सारा, हम जमाना।
जाऊंगा जाऊंगा मगर मगर क्या आपके दिल और दिमाग में जो बस गया वहां से तो नहीं जाऊंगा वेरी फनी अब जाओ यहाँ से ओके कूल इट मैं गया दीदी पर फाइंड अप दीदी रुको ना दीदी दीदी फाइंड अप कहाँ जा रहा है जंगल में जंगल में दीदी रुको फाइंड अप मेरा दोस्त है ठीक है तो फैंटम से कह रहा तेरे लिए वीडियो गेम लेके आने को लीलो 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 विजय आपने मुझे शायद मदद के लिए याद किया जी नहीं तो भाई जब की प्रैक्टिस कर रही थी नहीं नहीं करो करो स्पॉट बहुत अच्छा है फिट रखेगा तुम्हें मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फैंटम फैंटम फिटनेस का मानना सोचना अपनी बैग का सोचो वो चोर लेकर भाग गया अच्छा लेकिन गर्ल्स को तो सब कुछ करने आता है ना चोर को पकड़ने आता है दीवार को जंप करने आता है एवरीथिंग तो क्या आप इस दीवार को जंप कर सकते हैं
चोर को पकड़ सकते हैं आप। बेशक, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए क्यों करूं? फैंटम मेरे लिए, उसमें मेरा वीडियो गेम है। अरे यार, पहले बोलना था ना यार, बस मैं यूं गया और यूं वापस आ। देखना फैंटम मेरा वीडियो गेम जरूर लाएगा। या विल सी, देखते हैं। ए कोको, काम हो गया। मेरा बैग कहाँ है? बैग? कौन सा बैग? अरे तुम तो मेरा बैग लेके आने के लिए गए थे ना। वाह वाह वाह, बात तो सिर्फ चोर को पकड़ने और दीवार को जम करने की थी। चोर को मैंने पकड़ लिया, लेकिन इसे उठाकर दीवार थोड़ी जम कर सकता था। बॉयज बॉयज, वाह वाह। तो कोको, ये है तुम्हारा फैंटम। तेरा वीडियो गेम भी नहीं ला सका ये। फैंटम फैंटम मेरा वीडियो गेम। तुम्हें तुम्हारा वीडियो गेम जरूर मिलेगा। पास है। कहाँ है? यहाँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डन। कोको, कोको, तुम मुझे सुबह सुबह इस मंदिर में क्यों लेके आए हो? दीदी, ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, या जो चाहो वो मिल जाता है। मना रहे हो कि धरती फट जाए और तुम गायब हो जाओ? नहीं 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 नहीं, मैं तो मना रहा था कि जो गायब हो गया वो सामने आ जाए, और वो सामने आ गई। क्या? चल कोको, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी वीडियो गेम मांग। फैंटम, कहाँ है मेरा वीडियो गेम? तुम्हारा वीडियो गेम कहाँ था? वो तो टीना दीदी के बैग में था। हाँ, जब तक बैग नहीं मिलेगा तो तुम्हारा वीडियो गेम कैसे मिल सकता है कोको? फिर क्या, जिसका बैग है उसे बोलो भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैग को मांगे। प्लीज प्लीज दीदी, मांगो ना, प्लीज 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 मांगो ना, प्लीज। ओके। बेटी, अष्टपुत्रवती भव। मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। हो जाएगी बेटी, आरती हो। कहाँ गए दोनों? ये तो मेरी है। मेरी और दोनों। ओके कोको, भी नहीं, इतना नहीं चलेगा। और बस कोको, अभी पैसे खत्म हो गए। तुमने मुझसे क्या डील की थी? क्या डील की थी? कि अगर मैं टीना दीदी को या ले आऊंगा तो फिर तुम मुझे एक और वीडियो गेम के लिए पैसे दोगे, और अगर पैसे नहीं दिए तो टीना दीदी। ये भी? कहाँ गए दोनों? हरिओम, 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 हरिओम। तुम कौन? कहो सुंदरी, क्या कष्ट है? ज्यादा नाटक मत करो, मेरा बैग वापस दो। बैग? तुम्हें तुम्हारा बैग नहीं मिला? हे भगवान, ये क्या कलयुग है, तुझ पे किसी का भरोसा ही नहीं। हे बजरंग बली, हे पवन पुत्र, इस सुंदरी को इसका बैग दिला दो। हरिओम, हरिओम। ये लो सुंदरी, पहले बजरंग बली का शुक्रिया अदा करो। बजरंग बली, घर आओ, बताती हूँ तुम्हें। तो ये खिचड़ी पहले से पक रही थी। हाँ टीना, 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 अगर तुम्हें बैग मिल जाता तो तुम सिर्फ थैंक यू बाय बाय कह के निकल जाती, और फिर तुमसे मिलने का मौका कब मिलता मुझे? यस, तो ये बात है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। टीना, एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ थैंक यू।
बाय 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 बाय। अरे ये तो बताओ, तुमसे फिर मुलाकात कब होगी? डोंट वरी बालक, आज मंदिर में मिले हो, कल चर्च में मिलना। जय बजरंग बली। बजरंग बली। यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय, मैं अपने फ्रेंड के भाई की शादी में आई। ओह, मैं भी अपनी फ्रेंड के भाई की शादी में आया। ऐसी क्या देख रही हो? बिन बुलाए थोड़ी आयो, इनविटेशन है मेरे पास। हाँ, यार राइट। रॉन्ग। ये जो आना कीना खाना। विजय, ये तो मेरा है। Quiet, the ceremony is about to begin. विजय। In good times and bad times. In good times and in bad times. In sickness and in good health. In sickness and in health. For richer or for poor. For richer or for poorer. I promise to be faithful to you till death do us apart. I promise to be faithful till death do us part. The bride and the groom can kiss each other. आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। ओ चारा हैं यादों में तेरी खुशबू का हम मजा लिया करते हैं। पलकों से नींदों की तरह, नींदों से ख्वाबों की तरह, दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। तू तारे, तू तारे, तू तारे।
तुमको चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने, पता चल गया कि मैं कोको विजय नहीं। पांडव अब सपने में भी अंदर रहेगा। कोको इधर आओ। अरे क्या कर रहा है? इधर आओ कोको। चुप है। सॉरी सॉरी। अरे अरे चुप। अरे तुम लोग फिर से शुरू हो गए। स्टॉप इट कोको। टीना तुम भी। टीना तुम्हारे लिए कोरियर आया है। टोनी अंकल ने भेजा है। टीना ने इतनी जल्दी खोला उसमें वीडियो गेम होगा। धत जब देखो वीडियो गेम करता रहता है। टोनी अंकल मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलते। हर साल एक दिन पहले मुझे गिफ्ट भेज देते हैं। मम्मी डैडी के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। रिया कई सालों से मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन टोनी अंकल इतने बिजी रहते हैं ना कि मैं उन्हें मिल ही नहीं पाई। हम तुम्हारे अंकल से जरूर मिलेंगे और कहेंगे सिर्फ गिफ्ट देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी बेटियों से मिलना पड़ेगा। वाह कितना खूबसूरत है ना। सो ब्यूटीफुल। हेलो जस्ट अ मिनट। टीना ए हाय विजय। हाय रिया। कोको कैसा है यार? ठीक हूँ। टीना कहाँ है? वो तो गई। गई कहाँ? बैंकॉक। बैंकॉक? हाँ उसके अंकल की तबीयत खराब है। बैंकॉक हम पूछेंगे। अंकल क्या बिजनेस करते हैं? पता नहीं। पता नहीं? वो बैंकॉक में कब से रहते हैं? पता नहीं। तुम्हारे अंकल दुबई क्यों जा रहे थे? दुबई? पता नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल ने अपनी जमीन जायदाद बंगला गाड़ी यहाँ तक कि अपना ऑफिस रातों रात क्यों बेच दिया? बेच दिया? क्यों बेच दिया? यही तो हम तुमसे पता करना चाहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता मेरे अंकल हैं कहाँ।
टांग टांग कुल नांग टांग मी फर खुन नाग नाग फर टंग सेक नाग तुम इनके साथ जाओ तुम्हें पता चल जाएगा खुन खुन शॉन चैन खुन इन हम खोई खोई आई खुन खुन खुमार खाओ हाँ ही खुमार खुन खुन खुमार हाँ हाँ खोई खोई चैन खान खोटी खोई हम कल सुबह तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हुआ इट वॉज अ हिट एंड रन इस बैग में हमें उनकी कुछ चीजें मिली ये एयर टिकट दुबई का ये उनकी अपॉइंटमेंट डायरी और ये उनका हेयर ब्रश परफ्यूम और ये टूथपेस्ट ये उनके कपड़े हैं ये पर्स है इसमें 2000 थाई बाट हैं और 5000 यूएस डॉलर्स और कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं थोड़ा चिलर भी है ये चेंज ये तुम्हारे अंकल ये है ना हाँ और ये इवानोविच रशियन और ये लिंग फो हाँ? जापानीज पासपोर्ट ये यूसुफ खान ये सब पासपोर्ट तुम्हारे अंकल के हैं पता नहीं किमो नहीं माय मौसी माँ हाँ सासा कौशी ठीक है इन पेपर्स पे साइन करो जी ये तुम्हारे बैग और उसके अंदर के सामान की लिस्ट है इसे तुम रिसीव कर लो और एक कॉपी तुम रख सकती हो लेट द सोल रेस्ट इन पीस Are you okay? Mm. आप ठीक हैं? हाँ. मैं इंडियन एम्बेसी से आया हूँ ये लेटर आपके लिए
गया। क्यों? एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर दीपक चोपड़ा, अभी तो लंच टाइम है, आप एक घंटे बाद आइए। जी उन्होंने मुझे एक बजे बुलाया। तो आप उनके केबिन में वेट कीजिए। मरिया, मरिया, यस, कैन आई हेल्प यू? जी मैं मिस्टर दीपक चोपड़ा का वेट कर रही हूँ। हमें दीपक चोपड़ा और आप मिस टीना खन्ना, राइट? या टीना, सॉरी हमारी सेक्रेटरी जरा लंच पे गई है। आइए प्लीज। हम तो भूल ही गए थे कि हमने आपको बुलाया है, लंच पे जा रहे थे, भूख चीज ही कुछ ऐसी है। प्लीज टेक अ सीट। क्या आप जानती हैं कि आपके अंकल यानी कि टोनी गोंसाल्विस भारत सरकार के वांटेड लिस्ट में थे? इनफैक्ट सीबीआई को काफी अरसे से उनकी तलाश थी। रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी, यू ओके? ये तस्वीर जरा देखिए। अरे हाँ, ये तस्वीर देखिए, हमारे फैमिली की है। ये रीटा, ये किशन, ये गायत्री, हमारी फैमिली की तस्वीर है। हाँ। कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी। थैंक यू। अब जरा ये तस्वीर देखिए गौर से। जी। क्या आप इनमें से किसी को पहचानती है? ये तो टोनी अंकल है। राइट। और ये आदमी तो चर्च में आया था। चिंगार नाम है इसका। चिंगार, ये भी आई थी अंकल के लिए रोजेस लाई थी। शीना, इससे पहले मुलाकात? नहीं। ये आदमी भी था उधर। ओ हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है मिस्टीना खन्ना कि आपकी जान खतरे में है। हाँ? मेरी? हाँ। टोनी आपके अंकल थे, उनका आपके सिवा और कोई नहीं था। हाँ। यह बात हम भी जानते हैं और ये तीरो भी। तो टोनी की मौत के बाद आप ही बची ना, आखिरी सुराग। डोंट वरी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको करना होगा वो जो हम चाहते हैं। जी आपने पूछा नहीं कि हम चाहते क्या हैं? जी बताइए। 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए? जी। अपनी सारी जायदाद बेचने के बाद टोनी को जो पैसे मिले उसमें से हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए। इनफैक्ट इन तीनों को भी वही चाहिए। लेकिन वो पैसे तो अंकल के हैं ना? नहीं, टोनी ने वो रुपए इन तीनों की मदद से 3 साल पहले एक बैंक से चुराए थे, इसलिए वो रुपए हमें यानी कि भारत सरकार को लौटा दीजिए। लेकिन वो पैसे मेरे पास नहीं है। आप ही के पास होंगे मिस टीना। अगर वो पैसे मेरे पास होते तो मुझे पता होता और मैं होता है होता है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे पास क्या है। टोनी ने आपके लिए कोई चेक, कोई ड्राफ्ट, कोई लॉकर की चाबी, कहीं ना कहीं कुछ तो छोड़ा होगा। सोचिए, ढूंढिए उनके सामान में। जी। हमारे पास और आपके पास वक्त बहुत कम है, और जब वक्त कम हो तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। जैसे ही आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले हमें कांटेक्ट कीजिए। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, 24 घंटे आप किसी भी वक्त हमें फोन कर सकती है। यू कैन गो नाउ। थैंक यू। वेलकम। एक मिनट मिस टीना। जी। आप इस मुलाकात का जिक्र किसी भी हाल में किसी से मत कीजिएगा, वरना आपकी नहीं औरों की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हमें शक है कि आपके अंकल का एक्सीडेंट नहीं खून हुआ है।
आपने बताया कि तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारे लिए. मेरे लिए? हाउ नाइस. अच्छा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया. तुम्हारी मदद करने. अब जल्दी बताओ कि मदद क्या करनी है. जिंदगी में और भी गम है मोहब्बत के सिवा. तो क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? एनीथिंग. अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इंडिया कब चल रही हो. मैं अभी इंडिया नहीं आ सकती, मुझे यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना होगा क्योंकि मेरे अंकल. अंकल? क्या बात है? Come on, Tina, tell me. विजय मैं तुम्हें नहीं बता सकती. Tina, you've got to tell me. मैं बैंकॉक सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ. बिलीव मी टीना, अगर तुम नहीं बताओगी तो मेरी सारी मेहनत. जो डर है ना, उसने तुम्हें और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है. कहाँ है 10 करोड़? 10 करोड़? मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, खून का रंग. तुमने कभी खून देखा है? बिल्कुल मेरे इन होंठों की तरह होता है. तुम्हारे होंठों को कभी किसी ने किस नहीं किया ना, बहुत मजा आता है. जिंदा रहोगी तो सब जान जाओगी. डेफिनेटली गो टू देयर. एक लड़की भीगी भागी सी. मेरा पैसा कब देगी तू? पैसा? कौन सा पैसा? देखिए मैं नहीं जाती. तो फिर जिंदा कैसे रहेगी तू? बिना 10 करोड़ लिए तुझे मार भी तो नहीं सकता. मेरे पास जितने भी पैसे, जो भी पैसे, आप सब ले लीजिए प्लीज. आई डोंट नो अबाउट द 10 करोड़. अगली बार पेट्रोल होगा, लेकिन ये आग अगली बार भी आग ही रहेगी. जरा सा छू लिया तो शरारा 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 शरारा. अगली बार मिलूंगा तो पैसे लेकर आऊंगा, वरना अल्लाह को प्यारी है कुर्बान. क्या हुआ टीना? हाँ तुम ठीक तो हो? कहाँ गायब हो गई थी? नहीं, कुछ नहीं. टीना बस बहुत हो गया, तुम्हें बताना ही पड़ेगा वहाँ पे क्या हुआ. बताओ. नहीं बता सकती. क्यों? क्यों नहीं बता सकती? मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं बता सकती तो मैं नहीं बता सकती. तुम मुझे भी नहीं बता सकती? हाँ विजय, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती. ट्राई टू अंडरस्टैंड विजय, मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती. खतरा? कैसा खतरा? यही तो मैं नहीं बता सकती. What nonsense is this, Tina? किसी की मौत नॉनसेंस नहीं होती विजय, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं. Please, please. Savadi. Okay. Bye. See you. Tapan Khar. Vijay.
क्या हुआ? मुझे मेरे कमरे तक नहीं छोड़ोगे? क्यों? फ्रेंड्स गर्ल्स मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, नाम है अपन का ओम। तेरे आसपास जो खतरे की जंजीर कस रही है उसकी सबसे मजबूत कड़ी है अपन है सबका बाप। बाप बोले तो बॉस। देखिए अगर आप ही मुझसे पूछेंगे कि 10 करोड़ कहाँ है तो मैं कहूंगी कि मैं नहीं जानती। सवाल तेरे को मालूम है लेकिन रुपया कहाँ है या अपन को नहीं मालूम, तेरे को मालूम है क्योंकि टोनी को मालूम था और टोनी का तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। बराबर? आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? यकीन अपन किसी का नहीं करता। I don't trust nobody. क्या तेरे को मालूम नहीं है तेरे हाथ की एक एक उंगली चुप 1-1 करोड़ की है। 10 उंगली मतलब 10 करोड़। चुप। रोजाना मैं तेरे हाथ की एक उंगली काटूंगा जब तक तू नहीं बताएगी। क्या हुआ टीना? विजय, वो आदमी मुझे मारना चाहता है। कौन? कहाँ? वो बालकनी से गया। बालकनी का था। लड़की के कमरे में हाँ क्या चाहता है तू बोल। अब हाथ उठाया तो दुनिया से उठा दूंगी। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं। स्वीट हार्ट छोड़ दे इसको। इधर चल 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 जल्दी इधर आ। तू सच कह रहा था इसका बदन जल रहा है? आग लगी है इसके बदन में, बुझानी पड़ेगी। बुझाओ। अब तू गाना गा। नहीं पता, मैं बताऊं कौन सा? जिया जले जा जले। नो चालाकी प्लीज। तीनों एक लाइन में लगो, एक लाइन में। क्या कर रहे तुम लोग, क्या समझते हो? हाँ ये चाकू ये बंदूक ये अकल और ये शक्ल लेके लड़की के पास जाओगे, डराओगे उसे और बस वो यूं ही 10 करोड़ लेके तुम्हारे कदमों में रख देगी। हाँ हमने क्या डिसाइड किया था कि मैं उस लड़की को पटाऊंगा
उसका भरोसा हासिल करूंगा और चालाकी से पैसा निकालूंगा। लेकिन तुम तीनों भूत की तरह उसे डरा रहे हो। क्या करे? क्या करे? तेरे पे भरोसा करके हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे, लैला मजनू का पिक्चर देखते रहे। मैं बोला था पहले से इससे कुछ नहीं होने वाला, मगर ये दोनों बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया नाटक। अपुन का पैसा है, अपुन खुद वसूल करेगा, समझा? समझा, जैसे टोनी से वसूल किया। मर गया ना वो, लड़की भी मर जाएगी। 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ में कितनी जीरो होते हैं यार? एक दो तीन चार। अंडा मालूम है? अंडा, हाँ अंडा मिलेगा सबको। सोच लो, 10 करोड़ चाहिए अंडा। ओके, टाइम नहीं है, टीना वेट कर रही है। बहुत बेचैन हो उसको मिलने के लिए। बेचैन तो हम तुम्हारे लिए भी है स्वीट हार्ट। पुकनी का था। बंद करो तुम लोगों का मस्करी। अब उनको अपना माल चाहिए। माल बोले तो अपुन का हिस्सा, अपुन का हिस्सा बोले तो आधा, 50%। नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। सुना, अब तुम लोग सोचो क्या करना है। ठीक है, हम अपने हिस्से में से तुम्हें देंगे। और सुन, आगे से इसको स्वीट हार्ट नहीं बोलना। पैसा 48 घंटे के भीतर चाहिए। 10 करोड़ में कितने अंडे हैं ये तो नहीं मालूम। 48 घंटे में पैसे चाहिए। मिल जाएंगे। अच्छा, टीना के बगल वाले कमरे में कौन है? क्या यार, चिंगार नाम है, हमेशा जलते ही रहते हो। मैं तो सिर्फ चाय भी ले रहा था। तुम शीना को अपने कमरे में रखो ना। हाँ, अपना सामान ही लोगी? चिंगारी कोई भड़के। बंदूक संभालने वाले हाथ बदन भी सहलाना जानते, ये मैं नहीं जानता था। तुम बहुत कुछ नहीं जानते स्वीट हार्ट। मेरी ये उंगलियां रिवॉल्वर हो या मर्द का सीना, इट क्रिएट्स मैजिक। वांट ट्राई मी? टाइम नहीं है, टीना वेट करिए। करने दो, हमने भी बहुत किया है। सोच लो, 2.5 करोड़ का सवाल है। 2.5 करोड़ नहीं जानू, 10 करोड़। 10 करोड़, और वो भी सिर्फ तुम्हारी और मेरी और ओम और चिंगार। कौन ओम, कौन चिंगार? ओ रियली? ओके, इट्स अ डील। ऐसी इंपॉर्टेंट डील हाथों से नहीं, होंठों से क्लोज की जाती है। ऐसे। अब जाऊं? ओके, थैंक यू। स्वादिका,
विजय। ओह विजय, क्या हुआ विजय, इतनी देर लगा दी तुमने? मैं तो डर रही थी कि कहीं तुम, काफी दूर तक पीछा करना पड़ा। बहुत देर तक पीछा किया लेकिन साला हाथ से निकल गया। ओह नो, देखो टीना, मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। क्या आखिर चक्कर क्या है? तीन लोग हैं विजय, ये चाकू वाला भी, और ये सब मुझसे अपने 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो दे दो ना उन्हें उनका पैसा। पैसे जिंदगी से थोड़ी बढ़ के है। लेकिन विजय पैसे मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? मुझे नहीं पता। तो किसे पता? पता नहीं। पता नहीं पता नहीं कहने से कुछ नहीं होगा, पता करना होगा। शायद तुम्हारे टोनी अंकल को। हाँ मेरे अंकल को इन लोगों ने ही मारा होगा 10 करोड़ के लिए। लेकिन उन्हें पैसे फिर भी नहीं मिले। उन्हें लगता है, लगता नहीं, उन्हें यकीन है कि पैसे तुम्हारे पास ही है, क्योंकि टोनी का तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और इस यकीन की वजह से वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। हाँ लेकिन पैसे उन्हें फिर भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे मेरे पास है ही नहीं। पता नहीं क्या होने वाला है। डोंट वरी टीना, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। क्यों? वो तुम्हारे आदमी है, है ना? लड़कियां फिर से की ना लड़की वाली बात। सिंपल सी बात है, उन्हें यकीन है कि पैसे तुम्हारे पास है, और जब तक उन्हें पैसे नहीं मिल जाते वो तुम्हें कैसे मार सकते हैं? तुम्हारे टोनी अंकल के मौत से उन्हें सबक मिल गया है। लड़के हो फिर भी अकल की बात की है, संगत का असर है। I guess you're right. खुश हो मेरी प्रोग्रेस से? अब तो मैं सारा दिन और सारी रात हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत जल्दी अकलमंद हो जाऊंगा और फिर पैसे का भी पता लगा सकूं, क्योंकि अब सब कुछ अकल पे डिपेंड करता है। वेरी स्मार्ट, मैं इतनी बुद्धू लगती हूँ क्या? हाँ बोल दू तो रहने दोगी क्या? जी नहीं। आइए मैं आपको याद दिला दूं कि एग्जिट का रास्ता भी वहीं से है जहाँ से आपने एंट्री की थी। टीना वन सेकंड प्लीज टीना, एक आउट। समझती हो? संगत का सर है। वेरी फनी। हाँ अच्छा तुम ये बताओ तुम अंदर आए कैसे? मैं हर उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मुझे तुम तक पहुंचा सकता है। देखो बात ऐसी है कि मैं तुम्हें अकेला तो छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, और तुम मुझे यहाँ रहने भी नहीं दोगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ठीक बगल वाला कमरा ले लूंगा और तुम्हारा नेबर बन जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम दुनिया की सबसे पहली पड़ोसी हो जो दूसरे पड़ोसी को ऐसे वेलकम किया है। तो मेरे नए पड़ोसी को याद रखना चाहिए कि अंदर आने से पहले ना नॉक किया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को याद रखोगे। नाउ गो गो टीना, मुझे कुछ क्यों
मेरे पड़ोसी के यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? चलो चलो, तुम्हारा पड़ोसी खाते पीते घर से है। मैं तो यूं ही सोच रहा था कि अकेले में डर तो नहीं लगेगा। डर लगेगा तो मैं अपने पड़ोसी को बुला लूंगी। टीना, क्या एक और बात है? क्या? मैं और मेरा दिल तुम्हें तुम्हारा दिल ना टीना आपस में बात कर लो। हमेशा तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलेगी। अच्छा तो क्या चलेगी फिर? जो कुछ भी चलेगा ये नहीं चलेगा। तुम्हारे पाँव तो चलेंगे ना। दिल की लगी में धड़कनों पे इख्तियार नहीं होता। इश्क वो जलवा है जो बदानशी नहीं होता। तेरी अदा, तेरी नजर, तेरी हंसी, तेरी उम्र यारा कहते यही। पूछो You love me, baby? Teri ada, teri nazar, teri hasi, teri umar yara, kehti yahi. Poochho dil se, don't you love me, baby? बहाना कदम ना आगे बढ़ाना लगे का डर अकेले में फसाओ ना झमेले में सो जाओ तुम मेरे के हम सपनों के मेरे में तेरी अदा तेरी नजर लगता है लेकिन क्या करें, दिल की बात वहाँ पे आते आते वक्त लगता है। समझा करो तुमसे इश्क है, संभल के रहो इसमें रिस्क है। कोई गम नहीं जो भी हौसला हो, बेशरम हो तुम कितने भरा। एक नजर देखो तो इधर दीवाने क्यों हो इसका डर। खिड़कियाँ दिल की खोल दो हमें तुम तन्हा छोड़ दो। यूं ना उड़ो ख्यालों में तुम रंगों को उड़ लो। तेरी जुबान तेरी वफा तेरी आरज़ू तेरी जस्तजू यारा करे दिल लगी रात है आधी। तेरी अदा तेरी नजर तेरी हंसी तेरी उम्र यारा कहती यही। पूछो दिल से डोंट यू लव मी बेबी।
तुम कौन? तेरे हाथ की 10 की 10 उंगलियां बाकी है ना अभी। सुन, वो योगी तेरे पास में है ना, फोन दे उसे। योगी? योगी कौन? कौन कौन कौन? रामगोपाल वर्मा की फैन है क्या? रामगोपाल वर्मा कौन? ए चुप, वो जो तेरे साथ वाले कमरे में वो चिकना लंबा हैंडसम सा लड़का रहता है ना। कौन? विजय? विजय नाम बताता क्या तेरे को? साला पुकनी का था बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसका असली नाम है योगी, बहुत बड़ा भोगी है वो। है क्या तेरे साथ में वो? नहीं। ध्यान से सुन, लड़कियां पटाना उसका काम है, तेरे को भी पटाना चाहता है 10 करोड़ के लिए। अब उनको उसका पूरा प्लानिंग मालूम है, सब मिलने के बाद वो तेरा खून भी कर देगा। बोल रहा हूँ। मिस्टर चोपड़ा, मैं टीना बोल रही हूँ। हेलो, बोलिए। मिस्टर चोपड़ा, एक और आदमी है। कहाँ? उस तस्वीर में 4 लोग हैं ना? हाँ, वो ओम चिंगार शीना और चौथा टोनी, राइट? पर एक और आदमी है जो उस तस्वीर में नहीं है। तस्वीर में नहीं है? अपना नाम विजय चौहान बताता है, पर है योगी। योगी? इसका मतलब और लोग भी हैं जो आपके पैसे और जान के पीछे पड़े हैं। तो फिर मैं जा रही हूँ। रिलैक्स मिस टीना, रिलैक्स। जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत लीजिए, जरा सोचिए। आपके अंकल के साथ क्या हुआ? जो लोग पैसों के पीछे बैंकॉक तक आ सकते हैं, वो इंडिया नहीं जा सकते क्या? तो फिर मैं क्या करूँ? एक काम करिए, विल मीट इमीडिएटली, ओके? हाँ तो टीना, आप क्या कह रही थी? आप जानते हैं मिस्टर चोपड़ा, उसके पास बंदूक भी है। देखिए मिस टीना, जिसके पास गन हो वो योगी हो, ये जरूरी तो नहीं है ना? मिस्टर चोपड़ा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो नहीं हो सकता। क्या? मेरा मतलब है वो महेश योगी नहीं हो सकता। महेश योगी? जी हाँ। ये कौन है? टीना, इस सारे किस्से में एक ही और आदमी इन्वॉल्व था, महेश योगी। आपको उसके बारे में पता था? हाँ। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जरूरत नहीं थी। हाँ? वो मर चुका है। मर चुका? देखिए मिस्टर चोपड़ा, प्लीज आप सब कुछ मुझे साफ साफ बता दीजिए। बैंक लूटने के बाद महेश योगी, टोनी, चिंगार, ओम और शीला भाग रहे थे, और कार महेश योगी चला रहा था। रुक जाओ, गाड़ी रोको। नहीं बनेगा सर। ए, वापस आ गए। पुलिस की गोली महेश योगी को लग गई। चारों ने जख्मी महेश योगी को अपने साथ ले जाने के बजाय उसे गोली मार दी। और लाश को उठाकर पानी में फेंक दिया। अगले दिन ही महेश योगी की लाश हमें किनारे पर मिली, जिसमें से हमें वो तस्वीर मिली जिसे हमने आपको एम्बेसी में दिखाई थी,
मैतांग खोरकुन। हाँ का? खा। कुछ खाएंगी आप? जी नहीं। टोनी ने सबको डबल क्रॉस किया, पुलिस को ओम, चिंगार, शीना के बारे में खबर दी और खुद बैंकॉक चलाया। जेल से छूटने के बाद वो तीनों पैसा और टोनी के पीछे बैंकॉक चले हैं और हम उन तीनों के पीछे हैं और टोनी की मौत के बाद वो तीनों आपके पीछे हैं। क्या चारो? चारो? हाँ, ये आदमी जिसका नाम योगी है वो भी तो आया आपके पीछे। यहाँ नहीं, मैं तो उसे इंडिया से जानती हूँ। अच्छा जी। आप उसे इंडिया से जानती है? जी। तो बहुत कुछ जानती होगी आप उसके बारे में। क्या जानती है आप? नाम, पता, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ तो जानती होंगी आप। मैं सिर्फ उसे जानती हूँ। मुझे ताज्जुब हो रहा है मिस टीना कि आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की एक ऐसे आदमी की बातों में आ गई जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। डोंट वरी मिस टीना, मैं अभी फोन करके पता लगाता हूँ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। नहीं मिस्टर चोपड़ा जी, आप नहीं, उसकी असलियत का पता मैं खुद लगाऊंगी। अब मैं जानकर ही रहूंगी कि ये कौन है और ये क्या चाहता है। गुड, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन क्या आप ये कर पाएंगी? मिस्टर चोपड़ा, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। मैं जरूर पता लगाऊंगी। जी तेरे जी, वहाँ पास की गलियाँ, जहाँ तेरे
चाहे ले आशिक की बली, प्यार तो है मासूम कली, खुशबू जैसी नर्म नर्म ये जुगनू जैसी गर्म गर्म ये प्यार प्यार तरह करो मोहब्बत है मिर्ची messages? Just a minute, sir. Sure. Sorry, no message, Mr. Yogi. No messages, Mr. Yogi? Tina? तुम्हारे और कितने नाम है? विजय, योगी और? वीरापन, जानते हो तो पूछ क्यों रही हो? क्योंकि महेश योगी मर चुका है. जानता हूँ. जानते हो? हाँ, क्योंकि मैं प्रकाश योगी हूँ, महेश योगी का छोटा भाई. वो तीनों जो तुम्हारे पीछे है ना, उन्होंने महेश को मार दिया. मैं जानता हूँ कि मेरा भाई गलत आदमी था, लेकिन था तो मेरा भाई. उसकी मौत की सजा मैं उन तीनों को दिलाना चाहता हूँ, और मेरा मकसद पूरा करने के लिए उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ. मेरी बात मानो टीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उन तीनों के साथ नहीं. अच्छा, तो तुमने अपनी भाई वाली बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस डर से कि शायद तुम भी अपने टोनी अंकल की तरह शीना चिंगार और ओम के साथ मिली हो. मुझे क्या पता. मैं सच कह रहा हूँ टीना, मेरा यकीन करो टीना. मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ बैंकॉक में आकर जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पर यकीन करूँ और किस पर नहीं. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. टोनी अंकल, क्या समझी थी मैं और वो क्या निकले? तुम, दिल तो कहता है तुम पर भरोसा करूं, लेकिन फिर डर लगता है कहीं तुम तोड़ ना दो, कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम्हारी जरूरत हो और तुम. विजय, योगी, विजय. ओहो, टॉप फ्लोर, शहर का व्यू दिखाओगे? मैंने सुना है कि रात में ज्यादा अच्छा लगता है. बेटे, मैं तुझे दिन में तारे दिखाऊंगा. चुपचाप खड़ा रहे और मुंह बंद रख. सॉरी सॉरी, मैं तो सिर्फ उबासी ले रहा था यार. बस आखिरी उबासी होगी तेरी जिंदगी की. पोकनी का था. अब ये बता, माल किधर है? यही पूछने के लिए ऊपर तक परेड कराए? नीचे ही पूछ लेना था यार, बता देता. देख, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ओम सबका बाप है. बाप मतलब बॉस. चिंगार और शीना की तरह मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है. आखिरी बार पूछता हूँ, बता माल किधर है? मानो कि माल मेरे पास है. है नहीं यार, तुम्हें यूं ही तुम्हें दे देता क्या? Happy birthday to oh. ओकनी का था. मेरा बर्थडे नहीं, लेकिन तेरा आज लास्ट डे है. पीछे चल, पीछे. तू पागल हो गया क्या? पीछे जाऊंगा तो मर जाऊंगा, और फिर तेरे 10 करोड़.
ओम अगर बैंक लूट कर 10 करोड़ हासिल कर सकता है तो तेरे मरने के बाद उस प्लेटफॉर्म टीना से पैसा हासिल करना ओम के बाएं हाथ का काम है। Enjoy the view when you go down. Jump now. Come on. लटके रहे और जब पक जाएगा ना तो नीचे टपक जाना। पोगनी का थाव। हाँ, पोगनी का थाव। तो फिर अचानक गायब हो गए। What is this? मैं कितनी परेशान हो रही थी। परेशान? और मेरे लिए? इसका मतलब धीरे-धीरे, आहिस्ते-आहिस्ते, तुम मुझसे प्यार। इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। आओ। Oh my God, विजय, तुम्हारे पीठ से तो खून निकल रहा है। अच्छा हो कि तुमने ये बता दिया, वरना कल सुबह के न्यूज़पेपर्स में पढ़ता ये खबर। विजय, कभी तो सीरियस हुआ करो। मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ, सीरियस था और सीरियस रहूँगा, पर तुम समझती ही नहीं। अच्छा ये बताओ, ये हुआ कैसे? तुम्हारे एक चाहने वाले से मिला, जिसे तुम चाकू वाली के नाम से जानती हो। कुछ मोहब्बत की बातें हुई और रिटर्न गिफ्ट में ये जख्म देके गया। कह रहा है क्या? पेनिंग? नो। सॉरी। अब? हाँ, फिर से? और अब ऐसा लगता है कि कभी दर्द था ही नहीं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, वो तुम्हारे, तुम उनके गैंग में शामिल हो ना, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? हो सकता है उन्हें लगने लगा हो कि मैं तुम्हारे साथ शामिल हूँ। होने और लगने में फर्क होता है ना विजय। मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे साथ हो? तुम्हारे लिए जान दे दूँ तब मानोगी? क्या पता उससे पहले मैं ही मर जाऊँ। नहीं टीना, तुम्हारी जान बहुत कीमती, ना तुम्हें कोई मारेगा ना मरने देगा। मेरा क्या, मैं एक बेकार आदमी हूँ, मेरी किसी को क्या जरूरत? जरूरत है विजय, किसी को तुम्हारी जरूरत है। किसे? उसे जो शक और खतरों की अंधेरे में रहते रहते ऊब गई है, जिसे उस रोशनी का इंतजार है जिसमें वो जिंदगी के रंग देख सके। वो तो तुम्हारे साथ साथ है टीना, एक साए की तरह, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। महसूस करना चाहोगी? इधर फूल बरसाती आजा, तेरे दो महबूब बैठे हैं यहाँ। एक खूबसूरत सी लड़की और एक क्यूट सा बच्चा। ओह माय गॉड, कोको और आने वाले थे। खलनायक नहीं, नायक हूँ मैं। Stop this. डर गई? पूछा दे। छोड़ो इन्हें। Hey, stop.
आ गए? आजा आजा। कहाँ है तेरा राजा? 48 घंटे 48 टुकड़े करूंगा। किसी ने मुझे याद किया? फैंटम! चल, तो तू हीरो है इसका? तो तू आना टपक के यहाँ टपक गया? जब तक अपुन का पैसा नहीं मिल जाएगा अपुन टपकेगा नहीं, टपकाएगा सबको। लेकिन टीना, लेकिन पैसे तो बच्चे के पास नहीं है ना? मालूम है अपुन को, लेकिन जब तक इसकी आंख चलेगी नहीं तुम लोगों की सबान खोलेगी नहीं। जबान खोलेगी? आज मैं वो बात बता दूंगा जो मुझे पहले से लग रही थी। क्या? पैसे ओम के पास है। ए पुकनी का था, क्या बकवास कर रहा तू? हाँ, या फिर इसके पास? What nonsense! अब तू बोलेगा मेरे पास है? यार मुझे देख के लगता है क्या? हो सकता है तुम तीनों में से कोई एक टोनी को मिला, मारा और पैसे गायब। 10 करोड़ तुम तीनों में से एक के पास है। अगर पैसा अपन के पास में होता तो अपन बैंकॉक में झक क्यों मार रहा है? इसलिए कि अगर कोई एक पैसा लेके भाग गया तो बाकी के दो को शक होगा। मुझे तुम्हारे रूम की तलाशी लेनी है। चीर के रख दूंगा अगर कोई अपन के कमरे में घुसा भी तो। क्यों, कोई खजाना छुपाया है क्या? क्या करने का अभी? अरे खाम रखा में भेजा फिरा ले रहा है भूखनी का था, अपन इसके रूम की तलाशी लेगा। ठीक है, मैं और शीना टीना के रूम की तलाशी लेंगे और मैं तुम्हारे कमरे की। अरे पीते ही रहेगा या पुलिस लिस्ट में वो जो टोनी का सामान दर्ज है उसे चेक भी करेगा? सारा कपड़ा ढूंढ लिया पर पैसे नहीं है। पैसे होते तो मिलते ना। अच्छा तो तू कहाँ छिपाता 10 करोड़? सब कुछ यहाँ है दीवानी। बस साला पैसा ही गायब है, कहाँ छिपाया होगा पैसा इसने? बहुत दम है कहानी में। कौन सी कहानी भाई? जो उस हीरो ने कही थी, हम तीनों में से कोई टोनी को मिला उसे मारा और पैसे गायब। देख स्टोरी का विलेन मैं नहीं हूँ, तू मुझ पर शक तो नहीं कर रही है? नहीं मेरी जान, तुझ पे शक करना तो अपने पे शक करने जैसा होगा, लेकिन ओम मैं जाता हूं। हाँ, मैं 10 करोड़ डालता एक प्लास्टिक बैग में और सुपर देता बाथरूम के फ्लश टैंक में। ढूंढ रहा है या छिपा रहा है? क्या बोला तू? अपुन के पास पैसा है जो अपुन छुपा रहे ला है। हाँ, शीना को भी यही लगता है। शीना को लगता है या तू बोला उसको है? ए, ओम से यही करके बात किया तू? ए, मुंह से नहीं अभी लात से भी बात करेगा है? ओम से ऐसा बात किया तू? ओम से ऐसा बात किया? मालूम ओम कितना खतरनाक है? पैसा अपुन के पास है और अपुन किसी को नहीं देगा पैसा। Ah!
इधर। मिल गया। करोड़ की डेंजरस गेम में शामिल हो और एक चूहे से डर गई। हाँ? 10 करोड़ का चूहा भूखनी का था। रिलैक्स, टेंशन नहीं ओम भाई। थिंक, तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, शीना यहाँ है, टीना यहाँ है, चूहा भी यही है, कौन नहीं है ओम? चिंगार। राइट, चिंगार। यहाँ कुछ नहीं है, चलो यहाँ से। एक मिनट। चिंगार। चलो, इसका रिकॉर्ड तो बंद हुआ। बोला था अपुन, ये बिल्ली अब उनको ऐसा क्या देख रही है? लेकिन इसके साथ तो कमरे में तू ही था ना? हाँ, अपुन था, लेकिन जब वो आया तो अपुन वहां से निकल गया था। क्यों, गाना पसंद नहीं आया क्या? पसंद तो तू नहीं है अपुन को, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। हम लोगों के बीच में डाउट पैदा करके, तू समझ रही है ना शीना? एक एक करके ये दोनों मिलके। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने बहुत भरोसा है तेरे को उस पर। शादी करेगी इसके साथ में, 10 करोड़ का हनीमून मनाएगी इसके साथ। शिकार करने गया था किसी का और किया किसी का। शिकार करूंगा तो चिंगार जैसे झिंगे का नहीं, डायरेक्ट शाक का करूंगा, शाक का। मुश्किल है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बॉडी का क्या करें? कब इनका कहने का मतलब ये है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप लोग कंट्री छोड़कर नहीं जा सकते। Yes? Do you love me, baby? Just go to sleep, baby. हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे नहाना है। तो जाओ नहा लो। तो हटो ना, मुझे अंदर जाने दो। कहाँ? नहाने और कहाँ? क्यों, आपके बाथरूम में कमरा, आपके कमरे में बाथरूम नहीं है क्या? है तो सही, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। क्या? वहाँ चिंगार, उसकी लाश। क्या पता, मैं वहाँ नहाने जाऊँ और उसकी रूह। बस 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 बस, जाओ जाओ जाओ, नहाओ नहाओ। थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ बेबी। विजय, योगी, योगी। हाँ, क्या हुआ? नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही थी ना, तो मैं घबरा गई। तुम गाते रहो ना। सिंगर को खिलाना पड़ेगा मैडम, रूम सर्विस के लिए ऑर्डर करो। 24 24, टॉम यम सूप, टॉम यम। हाँ। टीना, तुम कहो तो दरवाजा खुला छोड़ दूं, डरने लगेगा। नहीं 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 नहीं, बंद ही रखो, मैं भी खाना ऑर्डर कर रही हूँ। हाँ।
हेलो मिस टीना, दीपक चोपड़ा हियर। जी, आपसे बात करने के बाद हमने दिल्ली में अपने हेड ऑफिस से बात की और हमें अभी अभी पता चला है कि महेश योगी का कभी कोई भाई था ही नहीं। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आप लोगों से कोई गलती हुई है, प्लीज दोबारा चेक कीजिए। मिस टीना, हमसे कभी कोई गलती नहीं होती और ना ही गलतफहमी। सो प्लीज बी केयरफुल, ओके? हेलो, गाना, खाना और नहाना, क्या कॉम्बिनेशन है। खाना ऑर्डर किया कि नहीं? कौन हो तुम? Who are you? हर वक्त मजाक करना अच्छा नहीं होता टीना। I'm hungry, yeah. I said, who are you? टीना, टीना, you all right? मैं योगी, प्रकाश योगी, remember? महेश योगी का कोई भाई नहीं था। कौन हो तुम? ये तुमसे किसने कहा? किसी ने भी कहा। सच है ना? हाँ, मैं एक्चुअली विजय हूँ। अभी भी झूठ बोल रहे हो तुम? कभी विजय, कभी योगी, पता नहीं और कितने नाम बदलोगे तुम। पता नहीं तुम्हारा असली चेहरा कितने पर्दों के पीछे छुपा है। और मैं बेवकूफों की तरह तुम पर यकीन करती रही, लेकिन अब नहीं। गेट आउट ऑफ माय रूम, वरना पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। देखो टीना, तुम्हें कोई गलत फहमी। शट अप। मेरी शराफत को मेरी मजबूरी समझा है तुमने? क्या समझती हो तुम लोग, डरा धमका के या प्यार का ड्रामा दिखा के अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे? नहीं पता है मुझे तुम लोगों के 10 करोड़, नहीं पता है मुझे क्या कर डालोगे। मार डालोगे, ये लो, मारो। नहीं मारोगे तुम्हें। What nonsense is this, Tina? ये क्या कर रही हो? हाँ, मैं कोई योगी फोगी नहीं हूं, ना ही मैं महेश योगी का भाई। मैं विजय हूं, विजय, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। Do you understand? तुमसे, सिर्फ तुमसे मिलने आया था यहां, लेकिन यहां के देखा कि तुम मुसीबत में थी। तुम्हारी अंकल की मौत हो चुकी थी, शीना चिंगार और ओम तुम्हारे जान के पीछे थे। उस वक्त मैं क्या करता, तुम्हें यहां अकेला छोड़कर वापस चला जाता, जा सकता था? नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारी मदद करने की सोची। शीना चिंगार और ओम को यकीन दिलाए कि मैं उनके साथ हूं, यकीन दिलाए कि मैं तुमसे 10 करोड़ रुपए लेके उन्हें दे दूंगा। गलत किया, हाँ गलत किया। हाँ, ये बात सच है कि मैंने तुम्हें यह सब नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतनी परेशान थी और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। देखो टीना, मैं जानता हूं कि तुम एक किस्म की कश्मकश से गुजर रही हो, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे प्यार पर यकीन करो। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है टीना। I love you. Me, yeah.
कश्मकश में यार, हो दिल है तेरा कश्मकश में यार, छू के अपने दिल से पूछो क्यों करे ऐतबार। छू के अपने दिल से पूछो क्यों करे ऐतबार, भीगी पलके पूछ लो तुम देखो फिर एक बार। छू के अपने दिल से पूछो क्यों करे ऐतबार। इंतजार करा करा के जान ही निकाल लोगे क्या? जल्दी आ जाओ, दिल और दरवाजा दोनों ही खुले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रात गुजर जाए। जिसे गुजरना है उसे कौन रोक सकता है, इंतजार का मजा लेना सीखो स्वीट हार्ट। बाय। हेलो, तुम आकर ना तुम आकर ना नाइस लाइट हो या तो ये लाइट तुम्हारा नहीं है। नहीं And yours? नहीं। आप दोनों में से क्या कोई बता सकता है कि लाइटर किसका है? नो? और तुम? नहीं पता। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। यस। गुड गुड। Khab, khab. I take this and send it to fingerprints expert immediately. Tina, 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 just wait one second. Tina, मेरी बात तो सुनो Tina. एक मिनट. मुझे कुछ नहीं सुनना है, झूठे हो तुम. झूठ? Tina, मैंने क्या झूठ बोला? वो लाइटर तुम्हारा नहीं है? हाँ,
मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि शायद लाइटर मेरा होगा। तो फिर तुमने इंस्पेक्टर को बताया क्यों नहीं? पागल हो गए हो क्या? अगर मैं उन्हें बता देता तो मुझे खूनी समझ लेते। लेकिन टीना, तुमने क्यों नहीं बताया? तुम्हें लगता है कि खूनी मैं हूं ना, और ये जानते हुए भी तुम मुझे बचाना चाहते हो? हाउ फनी। ए विजय, ये तो वही लाइटर है ना? यस राइट। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो एक बात तो साबित हुई। क्या? कि तुम भी झूठ बोलती हो, और वो भी बड़ी सफाई से। विजय राइट। मैं ओम को ढूंढता हूँ। लेकिन उसे तो पुलिस ढूंढ रही है ना? इसलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना 10 करोड़। बाय बाय। नहीं चाहिए मैं 10 करोड़। देखो टीना, मुझे 10 करोड़ का पता लगाना बहुत जरूरी है। कम ऑन विजय, विजय 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 विजय, पहले मुझे होटल तक छोड़ दो ना प्लीज। कम ऑन लेट्स गो। दो को तो खत्म कर दिया तूने, अब इस खेल में सिर्फ दो खिलाड़ी बचे हैं, मैं और तू। तो वो 10 करोड़ सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। मेरी निगाह तेरे ऊपर हमेशा है। आई एम वॉचिंग यू बेबी। टीना, टीना क्या हुआ? विजय पैसे ओम के पास नहीं है। क्या? दिस मीन्स पैसे तुम्हारे पास है। मेरे पास? हाँ, ध्यान से सोचो टीना, शायद तुम्हारी टोनी अंकल ने कुछ तो दिया होगा, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, चाबी, खत, कुछ भी। हाँ, मेरे बर्थडे पर। क्या? देखो ये यही होगा 10 करोड़ का। हाँ? 10 करोड़ का? हाँ? 10 हजार का भी नहीं है ये। तुम्हें कैसे पता? ऑलरेडी चेक करवाया मैंने। लेकिन पैसे है कहाँ? तुम्हारे टोनी अंकल का बैग कहाँ है? क्यों? चेक करते हैं टीना। लेकिन विजय उस बैग को तो बहुत बार चेक कर लिया है। दोबारा चेक करते हैं टीना, शायद कुछ क्लू मिल जाए। हाँ। बस यही सब है। पुलिस लिस्ट कहाँ है? हाँ ये लो। अपॉइंटमेंट डायरी कहाँ है टीना? हाँ, यही होगी। कहाँ? कहाँ टीना, कहाँ? विजय यही होगी। फिर कहाँ है? देखो डायरी तो 10 करोड़ की नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ से गायब क्यों है? मैक्सी मॉल। सोचो टीना, सोचो, उसमें कुछ लिखा होगा, कुछ भी, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट्स, पता। विजय, विजय मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सोचो टीना, सोचो। हेलो। हेलो टीना दीदी। कोको, मैंने एक स्पेशल वीडियो गेम देखा है। आप यहाँ जल्दी आ जाओ, आपने बोला था ना आप पैसे मुझे दोगे। अब आप जल्दी आ जाओ, मैं आपका बिक्सी मॉल में वेट कर रहा हूँ। अब प्लीज जल्दी आ जाओ बिक्सी मॉल में। बिक्सी मॉल? उस डायरी में अंकल का लास्ट अपॉइंटमेंट बिक्सी मॉल में था। बिक्सी मॉल? हाँ, शॉप नंबर। शॉप नंबर? ए, वेयर इज शॉप नंबर 7? सेवन। हे टीना, हाय। हे, हाय मैडम, हाउ आर यू डूइंग? टीना दीदी, दिस इज नहीं, इसको नहीं, 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 नहीं,
तुमसे कुछ खरीदा था। अजी इसने, बाय गॉड, इसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसने हमारी दुकान की अब तक की सबसे अनमोल आइटम खरीदी। थाई शाही खानदान का सबसे पुराना सिक्का इसी ने खरीदा और वो एक ही था। कितने का था? आप क्यों पूछ रहे हैं? कितने का? $20,00,000 उंगलियां काटने का मुझे बहुत शौक है। सिक्के की तस्वीर दिखाता हूँ सिक्के की फोटो दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये फोटो सिक्के की है। को मौका लगा तुझे स्वाहा कर दूंगा, कर दिया ना? तू समझता था तू स्मार्ट है और अपुन समझता था कि अपुन तेरा बाप है, लेकिन वो लड़की हम सबसे ज्यादा स्मार्ट निकली। पैसा लेकर भाग गई। शिजब अभी तक अपुन बोला था कि उस लड़की का 10 उंगली काटेगा, लेकिन अभी अपुन उसका गर्दन काटेगा, गर्दन, और अपना पैसा वसूल करेगा।
तेरे नहीं, वो 10 करोड़ सिर्फ मेरे हैं, मेरे। रिया, कोको, कोको, कहाँ गए? रिया, रिया, कोको कहाँ है? यही कहीं वीडियो गेम की शॉप में होगा। जो कॉइन्स मैंने उसे दिए थे ना, उसमें से यही कॉइन 10 करोड़ का है। Chang Yu, Koryang Ni. Okay, okay. Khap and khap. Coco! Coco! Kahan gaya ye abhi? Coco! 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 Sorry, 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 sorry. Khap, khap. Coco! Coco, Coco! Come here, come here, come here. Tumne kuch khareeda to nahi? Nahi, maine to nahi khareeda. ये क्या कर रहे हो मेरे पिगी बैंक को पैसे के साथ? प्लीज मुझे वीडियो की फेक और सिखा दो। वो कहाँ है? ओ वो तो मैंने भिखारी को दिया, बहुत भूखा था। भिखारी? ओ कोको और यांग नी टेंग टोंग पाई 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 टेंग टोंग पाई टोंग कहाँ कहाँ देखो चलो देखते और यांग नी खापुन गंगटोंग पाई गंगटोंग पाई 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 चांग सोई जॉन पाट माइ टू वो ना अरे चलो चलो मिल गया उसने कोई डस्टबिन के अंदर डाला चलो चलो गो प्लीज स्टॉप चलो चलो गो गो प्लीज स्टॉप अरे चलो चलो गो गो प्लीज 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 गो निकालो निकालो कोको प्लीज 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 मिया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। योगी ने ओम को भी मार दिया। What? हाँ विजय विजय ही योगी है। क्या? उसी ने सबको मारा है, अब वो मुझे भी मार डालेगा क्योंकि क्योंकि वो जानता है कि सिक्का मेरे पास है। सिक्का? कैसा सिक्का? टोनी अंकल ने उन पैसों से एक पुराना सिक्का खरीदा था जिसकी कीमत 10 करोड़ है और वो सिक्का मेरे पास है। टीना डोंट वरी घबराइए मत, आप फॉरेन होटल से निकल कर मुझे एबैक में मिलिए, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ओके हेलो टीना 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 स्टॉप, वो सिक्का मुझे दे दो टीना, वो सिक्का मुझे दो टीना टीना
टीना, जस्ट स्टॉप टीना, वन सेकेंड, मेरी बात सुनो टीना, वो सिक्का मुझे दो टीना, प्लीज टीना, वो सिक्का मुझे दो टीना। आप जोर से बोलेंगी? मैं जोर से नहीं बोल सकती, मेरी जान खतरे में, वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन? मिस्टर चोपड़ा? नहीं, योगी। योगी? हेलो, मैं टीना खन्ना, योगी मेरे पीछे पड़ा, मेरी जान खतरे में, प्लीज प्लीज जल्दी 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 दीपक चोपड़ा को इन्फॉर्म कीजिए। हेलो हेलो, पर हेलो, मिस्टर चोपड़ा? यस स्पीकिंग। किसी टीना खन्ना का फोन आया था, कह रहे थे कोई योगी उसे मारना चाहता है। टीना खन्ना? मैं किसी टीना खन्ना को नहीं जानता। रुक जाओ टीना, यही महेश योगी है। इसकी बात का यकीन मत कीजिए, हमारे पास आइए, यही महेश योगी है, हमारे पास आइए, ये महेश योगी है टीना, यही महेश योगी है, हमारे पास आइए, आइए हमारे पास। कितनी बार अपना नाम बदल चुका है ये, झूठ बोल रहा है, प्लीज फॉर गॉड सेक टीना, वो सचमुच तुम्हें मार देगा। ये आदमी वो नहीं जो तुम समझती हो, ये महेश योगी है। शट अप, इनसे मैं एम्बेसी में मिली थी, ये दीपक चोपड़ा है, महेश योगी तो तुम हो। टीना, टीना, ओम का खून भी तुमने किया ना, ओम ने मुझे खुद बताया। ओम को इसने मारा है टीना, ये तुम्हें मार देगा, कम कम नहीं। अगर मैं ओम को मारा तो तुम्हें क्यों नहीं मारा? हा? मार नहीं सके, हाथ काम गए होंगे तुम्हारे, आप मारो। मैं तुम्हारी कश्मकश समझता हूँ टीना, प्लीज उसकी तरफ मत जाओ, बहुत हो गया, मत जाओ उसकी तरफ। टीना, अगर एक भी कदम बढ़ाए तो गोली मारूंगा, कम यहां। इस सिक्के के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो ना? इस सिक्के के लिए, लो लो लो। मिस्टर चोपड़ा, चल भाग लेंगे बाहर, वरना मैं इसे मार दूंगा। सरप्राइज थी ना? हाँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ये सही कह रहा था, क्योंकि मैं महेश योगी हूँ। हाँ, मैं हूँ महेश योगी, और वो 10 करोड़ रुपए मेरे हैं, इसीलिए तो जिंदा हूँ अब तक। चिंगा शीला ओम और टोली ने मुझसे गद्दारी की, मुझे गोली मारी, मैं बच गया। लेकिन मैंने उन्हें मार डाला, एक एक कर।
रखो बाहर आ, वरना अगली गोली इसके भेज में उतार दूंगा। गन नीचे रख, गन नीचे रख, रख दीजिए। बैग भी रख। सिक्का निकाल। क्या बैग में ही तो है? अच्छा, तुझे मैं शक्ल से चिंगार लगता हूं, एक काम करता हूं, इसे मैं मार देता हूं। ओके। नीचे रख, रख नीचे। अब तीना को छोड़ो। हाथ ऊपर, चल पीछे आओ। तेरे हाथ से पैसा भी गया और टीना भी, अब तू जी के क्या करेगा? अब जो करना है वो तो मैं करूंगा।
वो सिक्का मुझे दे दे, मुझे दे वो सिक्का। अब जो जिंदा रहेगा पैसा उसी का। सोच रहे हो तुम? चलो चलो जल्दी चलो। अब क्या हुआ? टीना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं 10 करोड़ अपने हाथ से जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। ओके? नो। ठीक है, लेकिन यही रुकना। मुझे इंडियन गवर्नमेंट का कुछ सामान लौटाना है। किससे मिलो? गो एंड मीट मिस्टर मल्होत्रा, फर्स्ट केबिन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मल्होत्रा? यस, मे आई हेल्प यू? यू बी, कहानी में अब कौन सा ट्विस्ट आने वाले हो? मिस्टर विजय चौहान? विशाल मल्होत्रा, स्पेशल ऑफिसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टीना, तुमने उन लोगों को गलत साबित किया जो सोचते हैं कि हमारी जनरेशन सिर्फ अपने बारे में सोचती है, हमारी देश की नहीं। और इसीलिए भारत सरकार तुम्हारे साहस और समझदारी की सराहना करना चाहती है और जांच में सहयोग देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा। और मैं अनुरोध करता हूं कि सिक्के के साथ साथ तुम मुझे वो भी सौंप दो जो चुरा लिया है तुमने। मैंने क्या चुराया है? दिल। कश्मकश है। एक मिनट, वो फर्जी दीपक चोपड़ा से मैं ही मिली थी। अच्छा? हाँ। कब मिली थी उसे? यही कुछ 1 और 2 के बीच। यानी कि लंच टाइम। हाँ। आइंदा किसी से मिलना हो मैडम तो वक्त का ख्याल रखना। हाँ। वैसे भी प्यार करने वालों को वक्त का ख्याल रखना चाहिए। Say you love me baby। ओ चारा खुशबू की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। फिक्र तेरा हवाओं से जब भी किया करते हैं, यादों में तेरी खुशबू का हम मजा लिया करते हैं। पलकों से नींदों की तरह, नींदों से ख्वाबों की तरह दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। तुम तारी।
से खुशी की तरह दिल को